अब यहाँ पे होता है कि हमारे पास एक तीसरी टर्म होती है हमारे पास आती है कैरियर डिफ्यूजन। कैरियर डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी में क्या फॉर्म हो रहा था हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर कंसेंट्रेशन से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम जनरल वे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास घरों में आप यूज होता है एक सिलेंडर होता है गैस वाला, उसमें जो इलेक्ट्रॉन से सॉरी पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन होती है सिलेंडर के अंदर वो ज़्यादा होती है और एयर में कम होती है। तो जब हम उसका उसका कैप ओपन कर टैप ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। सेम चार्ज कैरियर में भी ऐसे ही होता है, वो उनकी डिफ्यूजन में ये होता है कि वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है और इस एक साइड पे हमारे पास चार्ज कैरियर या पार्टिकल मौजूद हैं और इनके दरमियान में छोटी सी मेम्ब्रेन है। अब ये चार्ज कैरियर क्या करेंगे, ये इस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कैरियर डिफ्यूजन को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज को लाइट कर लेते हैं। हम लाइट करते हैं हमारे पास एक सेमी कंडक्टर मटीरियल है, जिसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास होल्स पड़े हुए और राइट साइड पे हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, उनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर मूव करने की कोशिश करेंगे और ये जो होल्स है हमारे पास ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये राइट साइड पर मूव करने की कोशिश करेंगे। इनका जो नेट फ्लो रेट होगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ जो होल्स हैं यहाँ पास हो जाएंगे, नेट फ्लो रेट जो होगा यहाँ पे हमारे पास वो हमारे पास डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास नेट फ्लो रेट ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा और हमारे पास ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। डिफ्यूजन करंट हमारे पास क्या होता है, बाद मैंने यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रॉन है ये साइड मूव करने की लेफ्ट साइड मूव करने की कोशिश करेंगे और होल हमारे पास राइट साइड मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, जितनी मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगी जितनी चार्ज की मूवमेंट से करंट पैदा हो रहा होगा उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अगर हम यहाँ पर देख लें कि नेट फ्लो रेट, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर जो करंट पैदा हो रहा होगा वो दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल जो नेट फ्लो रेट ऑफ मेरे पास होल्स है उसमें तो वन और टू बी टी एच, ये क्या हमारे पास ये थर्मल वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल अगर एक इक्विलिब्रियम पे हो फिर भी उनके पास थर्मल एनर्जी मौजूद होती है और ये एन ऑफ एल के आसपास शो कर रही है पॉजिटिव, ये जो हमारे पास होल्स हैं ये पॉजिटिव एल साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ एन एन जो है नेट फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस इक्वल है वन ओवर टू बी टी एच थर्मल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड एन माइनस एल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस साइड मूव करने की कोशिश करें माइनस एल साइड मूव करने की कोशिश करें। अगर मैं दोनों को समअप करता हूँ तो मेरे पास एफ नेट आ जाएगा एफ ओ पी प्लस एफ ओ एन वन ओवर टू बी टी एच एन ऑफ माइनस एल माइनस एन ऑफ एल। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों आया है, यहाँ पे माइनस इसलिए आया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और होल है इन दोनों की डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगाया कि हमारे पास नेट फ्लो रेट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यहाँ पे आ गए। अगर हम देखें तो अगर हम इस एक्सप्रेशन पर गौर करें तो हमारे पास ये दो फंक्शन मान रहे हैं, जैसे हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है यहाँ पे हमारे पास एन इज इक्वल टू माइनस एल और यहाँ पे एन इज इक्वल टू एल है। तो अगर हम इन दो फंक्शन को एक्सपेंड करें बाय टेलर सीरीज, टेलर सीरीज हमारे पास क्या होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स नॉट यहाँ पे मैंने एक इक्वल ले लिया एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस एक्स नॉट के मैंने ए इक्वल ला दिया। अब ये फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स मान लीजिए फंक्शन वन को पहले एक्सपेंड करूंगा फिर मैं फंक्शन टू को एक्सपेंड करूंगा एट एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर मैं दोनों फंक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा। जब मैंने इस फंक्शन वन को एक्सपेंड किया तो हमारे पास इसके ऊपर एक्स एल इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे क्या मैं बुक करूँगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एल डी एन ओवर डी एच, जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास हो गया एल माइनस एल डी एन ओवर डी एक्स। ठीक है, इस तरह जब मैंने दूसरे फंक्शन को एक्सपेंड किया मेरे पास क्या हो गया एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एन ऑफ जीरो, यहाँ पर मैंने ये जीरो पुट कर दिया एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर क्योंकि हम चेक कर रहे हैं और ये एल यहाँ से आ गया बाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो डी एन ओवर डी एक्स। जब मैं इन दोनों को समअप करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन ओवर टू वी डी एच थर्मल वेलोसिटी एन जीरो माइनस एल डी एन ओवर डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट मैं ब्रैकेट माइनस फंक्शन टू का जो मेरे पास आंसर है। अब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास एन ऑफ एन ऑफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस है और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस टू एल डी एन ओवर डी एक्स।
ये हमारे पास टू है और वाई भी टू आ रहा है, तो जब मैं इन दोनों कैंसिल आउट करूंगा मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा नेट फ्लो रेट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बाई इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस वी डी एल थर्मल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एल डी एन ओवर डी एक्स, ये हमारे पास नेट फ्लो रेट इसके इक्वल आ गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट सॉरी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, हमारे पास डिफ्यूजन करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है बाई पार्टिकल, तो वहाँ पे अगर वो एरिया एक एरिया पर यूनिट एरिया में गुजर रहा है करंट, तो वहाँ पे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जब मैंने डी आई डेवलप किया इसी चीज़ को शो करें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, जब मैंने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात की थी तो मैंने डी आर आई एफ लिखा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं ये चार और एफ नेट के इक्वल होती है। एफ नेट हमारे पास क्या है नेट फ्लो रेट ऑफ पार्टिकल एट सम पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर हमने नेट फ्लो रेट हमने निकाला था, तो नेट फ्लो रेट हमारे पास क्या इक्वल आया था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन से बात करता हूँ तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आ रहा है आ जाएगा नेगेटिव ई और ये एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती है। हमारे पास डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ जाएगी ई बी डी एच एल डी एन ओवर डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं होल्स की बात करूँ तो होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव ई माइनस वी डी एच थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स एल डी एन ओवर डी एक्स, तो ये माइनस वाई आ जाएगा और ये ई अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास ये ई बी डी एच एल डी एन ओवर डी एक्स क्या आ जाएगी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स,